जानवर तो जानवर ही है, जबकि मैंने उसे बचपन से पाल रखा है। आज 1 साल का हो गया वो, लेकिन क्या कहें, उसने साले जो है मेरा हाथ ही काट दिया। ये देखिए एकदम मार दिया भयंकर वाला। क्या फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी, को मेरा प्यार भरा प्रणाम और स्वागत है आपका पहाड़ी भाई लोग यूके वाले चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण नौटियाल और मेरे गांव का नाम है मिसर गांव, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धनारी क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों, मौसम की अगर बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं पूरा आसमान जो है साफ है, और ये देखिए सामने जो है चमचमाती हुई धूप लग रखी है, और ये है यहाँ पे मेरा घर। तो घर के आंगन में जो है 1:30-1 बजे आती है धूप। दिन का एक और अभी हमने खाना पीना भी खा लिया है, तो अभी मैं डुग्गू को देख रहा, तो डुग्गू जो है गोल हो रखा है, तो मेरे ख्याल से जो है वो नीचे ही जा रखा है चाची और के यहाँ। तो चलो देखते हैं एक बार डुग्गू कहाँ है, वो नीचे ही जा रखा होगा, मेरे को तो इतना ही लग रहा है। घर से चल के मैं आ गया हूँ अभी रोड पे, तो अभी मैं जा रहा हूँ दादाजी और के घर नीचे। तो अभी मैंने बुआ जी को फ़ोन किया वहाँ पे, मैंने कहा डुग्गू भी आ रखा वहाँ कि हाँ आ रखा, बल मेरे को पता था कि वो वहीं जा रखा होगा क्योंकि गांव में वो जाता नहीं है। तो चलो अभी मैं दादाजी और के यहाँ जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ वहाँ से डुग्गू को। इसलिए लेकर आता हूँ कि क्योंकि उसने जो है रोटी भी नहीं खाई, नहीं तो कोई बात नहीं, और वो जो है दूसरी जगह कहीं रोटी भी नहीं खाता। ऊपर रोड से चल के मैं आ गया हूँ अभी दादाजी और के घर पर। तो ये देखिए, ये है यहाँ पर डुग्गू बैठ रखा, ये देखिए ये जो है यहाँ पर मस्त खेल रहा है, और मैं इसकी खोज में पड़ा हूँ। मेरे को वैसे पता था कि ये जो है यहीं आता है। तो चलो लेके चलते हैं इसको अभी घर, क्योंकि इसने जो है रोटी भी नहीं खाई, वैसे यहाँ पे जो है उसने मट्ठा पी लेगी। चलो लेके चलते हैं इसको। शाम का 4:30 और दादाजी औरों के घर से चल के मैं पहुंच गया हूं अभी अपने घर पे। तो अभी जो है शाम की चाय भी मैंने पी ली है, और यहां से जो है अभी धूप ही निकल गई है मेरे गांव से, पूरी धूप जो है निकल चुकी है, और धूप जो है अभी इधर है बाकी नागनी ठाक में। तो यहां पे से जो है 5 बजे निकलती है धूप। तो आगे समय जो है मैंने डुग्गू को नीचे से लाया, आधे रास्ते तक लाया, वो जो है फिर से भाग गया नीचे ही, तो मैं फिर से भागा उसके पीछे, और उसके चक्कर में जो है मेरा पैर लग गया, चोट लग गई। तो उसके बाद में फिर मैं नीचे गया, नीचे से फिर से लाया डुग्गू को घर में लाया, तो 2-3 टंडी मारी उसको, और उसने साले जो है मेरा हाथ ही काट दिया। ये देखिए यहाँ पे एक दांत मार दिया भयंकर वाला। क्या बताएं, जानवर तो जानवर ही है, जबकि मैंने उसे बचपन से पाल रखा है। आज 1 साल का हो गया वो, लेकिन क्या कहें, चलो कोई बात नहीं, इंजेक्शन तो उसको लग रखा है वैसा रेबीज का, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ कल लगा दूंगा पिपली जाके इंजेक्शन, क्योंकि कई बात हो जाती है। और क्या कहें, बचपन से जब पाल रहा हूँ, आज जो है उसने माली को ही दांत मार दिया। चलो कोई बात नहीं, बाद में तो उसकी ढंग से सुताई हुई होनी थी तब, क्योंकि आज अगर हमको काटे, कल के दिन अगर दूसरों को काट दे बाहर वालों को, तो तब दिक्कत हो जाएगी। वैसे वो ऐसा काटता नहीं है, लेकिन जब डंडा उठाना तो तब काटता वो। तो मैंने 2-3 डंडी मारी उसको, पट्टा पकड़ रखा था मैंने उसका हाथ से, और उसने सीधे हाथ ही पे मार दिया जंक। ये देखिए एक दांत मारा तगड़ा। चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने यहाँ पर हल्की फुल्की मिर्ची लगा दी, तो अभी मैं गाड़ी घोड़ा देख रहा था, लेकिन अभी जो है टाइम भी ज़्यादा हो गया है पिपली जाने का। चलो कोई बात नहीं, 24 घंटे के अंदर कभी भी आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो मैं जो हूँ कल सुबह निकल जाऊँगा पिपली के लिए। पिपली होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर डुंडा जाऊँगा, और डुंडा भी नहीं होगा तो फिर जो है उत्तरकाशी जाना पड़ेगा। तो चलो अब जो है थोड़ा गाँव की साइड चलते हैं घूमने को।
चल के मैं आ गया हूँ अभी अपने गांव में। तो गांव से हम ऊपर आ गए अभी खेतों में। तो यहाँ पे जो है व्यू एकदम बढ़िया है, इस चक्कर से जो है घूमने के लिए आ रखे। तो आजकल कोई दोस्त भी नहीं है गांव में, और मेरे साथ में जो है अभी चाचा जी है। तो चाचा जी और मैं आ रखे हैं अभी इधर घूमने को। तो अभी जो है शाम का बज गया है 6:15। तो ये देखिए, ये पीछे से यहाँ व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ से जो है एकदम औसम व्यू है। ये देखिए, इसीलिए जो है हम इधर आ रखे घूमने को। और आजकल जो है ठंडा भी काफ़ी हो गया है शाम सुबह को। अब जो है टोपी भी पहननी पड़ेगी, स्वेटर वगैरह तो मैंने पहन रखी है, लेकिन अब जो है गर्म टोपी भी पहननी पड़ेगी। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो का अब यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देव भूमि उत्तराखंड।